जी नमस्ते, मेरा नाम काजल हिंदुस्तानी है। मैं पूरे भारतवर्ष में अनेक हिंदू संगठनों के साथ मिलकर लव जिहाद के विषय में कार्यरत हूँ और काफी वर्षों से ये कार्य हम कर रहे हैं। लव जिहाद एक गहन समस्या है हमारे पूरे समाज की और आज हम द केरला स्टोरी जो रिलीज हुई है उसमें हम कॉलेज की बेटियों को साथ में लेकर आए ये फिल्म देखने के लिए। ये पूरा आयोजन हिंदू सेना ने किया है जामनगर में और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हिंदू सेना को और इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा विषय है कि जिसमें एक तबका ऐसा है जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये समस्या एग्जिस्ट करती है हमारे देश में। मगर मैं आपको अभी बहुत सारे सबूत अभी देती हूँ कि जो मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई हिंदू संगठन नहीं बोल रहा है या कोई और व्यक्ति नहीं बोल रहा है, खुद जो केरला के दो मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री जो अच्युतानंद जी थे जो कि हार्डकोर कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस विषय को एड्रेस करते हुए कहा था कि लव जिहाद एग्जिस्ट कर रहा है और रेडिकल इस्लामिक ग्रुप ना केवल हिंदू बल्कि क्रिश्चियन लड़कियों का भी उनको प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कर रहा है और ये एक सीरियस इशू है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री केरला के जो चेड्डी जी है, उन्होंने भी असेंबली में, केरला की असेंबली में ये इशू उठाया था और उन्होंने कहा था कि 2006 से 2012 के बीच में इन 6 वर्षों में 7,000 से ज्यादा लड़कियों के धर्मांतरण हुए हैं और एक रेडिकल ग्रुप ऐसा है मुस्लिम का जो लड़कियों का धर्मांतरण करा रहा है। जो पहले इनको प्यार के जाल में फंसाते हैं, कुछ एक लड़कियां बिल्कुल प्लानिंग के साथ आईसिस आतंकवादी ग्रुप में सौंप दी गई, वहां पे या तो वो सेक्स डिलीवरी कर रही है या उसको ह्यूमन बॉम्बर बनाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसके साथ मैं आपको तीसरा एग्जांपल देती हूँ कि केरला हाई कोर्ट के जस्टिस केटी शंकरन ने 2009 में एक जजमेंट दिया था जब दो मुस्लिम लड़कों को की बेल एप्लीकेशन उनके पास गई थी और वो लव जिहाद का पूरा इशू था और लड़कियों को बाहर भेज दिया गया था। तब जस्टिस ने खुद ने शंकरन जी ने कहा था कि ये बहुत गहम इशू है और राज्य सरकार को इस पर एक कानून बनाना चाहिए, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स ने एक पूरी रिपोर्ट सबमिट करी थी हाई कोर्ट में उन 5,000 केसेस की जो ना केवल लव जिहाद के केसेस थे और उसमें मेंशन किया कि ये प्यार मोहब्बत के साधारण दिखने वाले केस नहीं है, सिस्टमेटिकली हिंदू बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कर उनसे शादी कर उनको भारत के बाहर बॉर्डर पार भेज दिया जा रहा है, उनको आतंकवादी बना दिया जा रहा है। इसके ऊपर मैं आपको चौथी बात कहती थी, जो चार लड़कियों ने एप्लीकेशन दी थी 2021 में इंडियन गवर्नमेंट के पास में कि हम काबुल की जेल में बंद है, हमें इस तरह से केरला से प्यार कर प्यार के जाल में फंसाकर आतंकवादी बनाया गया है अफगानिस्तान में लाके और आप हमें काबुल की जेल से छुड़ाओ और हमें वापस इंडिया लेके आओ। तब भारत सरकार ने ये बात नहीं मानी थी। उसी में एक लड़की जो कि जो ये स्टोरी आज हम देख रहे हैं उससे मिली जुली यही स्टोरी, उसकी माँ का अभी टीवी चैनल में आपने देखा इंटरव्यू दे रही है। उस लड़की का रियल नाम निमिषा था जिसको कन्वर्ट करके फातिमा बना दिया गया, उसको अफगानिस्तान ले जाया गया और उसी की मम्मी अभी टीवी में ये इंटरव्यू में सब बता रही है, श्रुति करके एक और केरला की लड़की, की कैसे उसकी ही मुस्लिम दोस्त ने उसका ब्रेन वॉश किया, वही सिस्टमेटिकली वही तरीका। तो ये रियल स्टोरी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पे जो मेरा लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि आप कहते हो ये गलत है, ठीक है, तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री कोई हिंदू संगठन से थे? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री केरला के हिंदू संगठन से है? केरला के जो हाईकोर्ट है उसने अपना बयान दिया तो क्या वो गलत है? स्पेशल टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट सबमिट करी क्या वो गलत है? ये सब तो हम हिंदू संगठन के नहीं है ना, तो सिस्टमेटिकली तरीके से हो रहा है। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सिमी जो स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जिसको भारत सरकार ने बैन किया, सिमी ने अपने घोषणा पत्र में 1995 में 96 में ये एक षड्यंत्र बनाया था कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को धर्मांतरण कर अगले 20 साल में केरला को इस्लामिक स्टेट बनाना है और उसी सिमी को जब बैन किया तो उसका क्लोन खड़ा हुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। आप जानते हैं कि भारत की सरकार ने अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी बैन लाया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का घोषणा पत्र हमारे सामने आया और ये चिंता का विषय है पूरे देश के लिए कि उस घोषणा पत्र में ये लिखा है कि 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है और कैसे बनाना, ये पीएफआई का षड्यंत्र है, हमने किसी ने नहीं बोला है, ये पब्लिक डोमेन में है, ये बातें मीडिया में आ चुकी है, साबित हो चुकी है। क्या वो तीन तरह है? पहला लव जिहाद करो, दूसरा इस्लामिक अवैध कब्जा करो और तीसरा जिसको लैंड ग्रैबिंग बोलते हैं, कुछ लोग उसको लैंड जिहाद बोलते हैं, और तीसरा धर्मांतरण करो। तो ये षड्यंत्र पूर्वक जो षड्यंत्र सिमी का पहले केरला तक ही सीमित था, वही षड्यंत्र उसके क्लोन आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई ने पूरे भारत में लागू किया
और हम तो जबकि ग्राउंड पे काम करते हैं, बहुत सी लड़कियों को हमने रेस्क्यू किया है, किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है और लड़कियों का धर्मांतरण किया जाता है, तो देश इस विषय को एड्रेस करे। एक तरफ एक लॉबी ये कह रही है कि आईएसआईएस जो आतंकवादी संगठन है वो रियल इस्लाम नहीं है, उसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, और वही लॉबी आज जब ये आईएसआईएस से रिलेटेड हम ये फिल्म लेकर आए हैं तो इस फिल्म को लेकर क्या बोल रहे हैं कि ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। तो भाई पहले खुद के दिमाग में तो तय कर लो कि सच्चाई क्या है। आप आईसिस आतंकवादी संगठन के खिलाफ हो तो आपको तो ये मूवी को सपोर्ट करना चाहिए कि जिसमें आईसिस आतंकवादी संगठन की पोल खोली है। और इसी तरह से यूके में भी उसके भी काफी सेनेटर्स ने ये बात कही, उनके मिनिस्टर्स ने बात कही है कि यूके में मुस्लिम्स की ग्रूमिंग गैंग काम कर रही है और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, ये बात हो रही है। अब हम जैसे लोग जो पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं, इस चीजों को लोगों के सामने ला रहे, जागरूकता ला रहे, मैंने बहुत लड़कियों को रेस्क्यू किया है तो हम पर थप्पा लगा दिया जाता है कम्युनल का, हम पर मल्टीपल एफआईआर कर दी जाती है, मुझे जेल में डाल दिया गया क्योंकि मैं हिंदू की बेटियों को बचाने निकली हूँ, क्या ये मेरा दोष है? मेरा प्रश्न है पूरे भारत से। तो मैं भारत की जनता को दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस गर्मियों में अपने बच्चों को भी घुमाने मत ले जाइए, ये फिल्म दिखाइए। अगर आपको अपने बच्चों की, अपने बेटियों की, अपने आने वाली पीढ़ियों की और अपने देश की चिंता है तो ये जो सच्चाई बताई गई है इस फिल्म को अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। समस्त हिंदू संगठनों से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप बेटियों को ये फिल्म जरूर दिखाएं, और जो समाज के अलग अलग प्रमुख है, क्योंकि हिंदू समाज में बहुत सारी जातियां हैं और उस अलग अलग जाति के प्रमुख भी है, तो उन प्रमुखों से निवेदन है कि आप प्लीज थोड़ा सा समय निकालकर अपने समाज की बेटियों को जागरूक करने के लिए ये फिल्म जरूर दिखाएं। और मैं अंत में आप सभी का भी धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि मेरा बहुत लंबा संघर्ष रहा है और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। प्लीज यदि आपको अपने देश की चिंता है, आप चाहते हैं कि आपका देश इस्लामिक कंट्री ना बने, तो प्लीज जागरूक होइए और अपनी बेटियों को जागरूक करिए, अपने बच्चों को जागरूक करिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।